दोस्तों एक बार आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। डेडिकेटेड स्पीकर और माइक के साथ ब्लूटूथ कॉलिंग वर्टिकल बार जिंक एलॉय फ्रेम 1.43 इंचेस। तो दोस्तों आपने इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखा और समझा, और ऐसे वीडियोस दोस्तों यूट्यूब पर कितने ज्यादा वायरल होते हैं आप कभी भी सर्च कर लेना। और आपने इस वीडियो को देखा कितनी जबरदस्त ये वीडियो बनी है, वो भी AI की मदद से, और आपके भाई ने ये वीडियो बनाई है वो भी इसी मोबाइल से। दोस्तों अगर आप ऐसे वीडियोस यूट्यूब पर बना के अपलोड करोगे तो आप तीन तरीके से, एक तरीके से नहीं, तीन तरीके से पैसा कमा सकते हो। और अगर आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज है या ना है, फिर भी आप ऐसे वीडियोस बनाकर यूट्यूब से पैसा कमा सकते हो। चलिए मैं आप सभी को सबसे पहले तीन तरीके बताता हूं कि आप कौन कौन से तरीके से पैसा कमा सकते हो। सबसे पहला तरीका आता है यूट्यूब, अगर आपका मोनेटाइज हो जाता है तब आप पैसे कमा सकते हो, या फिर आपका YouTube चैनल मोनेटाइज नहीं है तो आप ऐसे वीडियोस बनाकर प्रमोशन से पैसा कमा सकते हो, या फिर किसी भी गैजेट की आप वीडियो बनाओगे उसी गैजेट का एफिलिएट लिंक बनाकर अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा सकते हो, जिससे आपको विदाउट मोनेटाइज भी पैसा आएगा। तो दोस्तों आपने इस वीडियो को देखा कितना जबरदस्त ये वीडियो बना था, और आप भी सोच रहे होंगे कि आपने ये वीडियो कैसे बनाया। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी को बताऊंगा कि अगर आपके पास एक एंड्रॉइड मोबाइल है तो आप भी ऐसा जबरदस्त वीडियो बना सकते हो और यूट्यूब पर अपलोड करके खूब सारा पैसा कमा सकते हो। तो चलिए मैं आप सभी को A to Z जानकारी दूंगा, कैसे कैसे आपको स्क्रिप्ट जनरेट करनी है, कैसे कैसे आप सभी को पैसा कमाना है, सब कुछ इस वीडियो में जानकारी दूंगा। तो चलिए सबसे पहला स्टेप, हम सबसे पहले डिसाइड करेंगे कि हम किस गैजेट पे वीडियो बनाएं। समझ रहे हो, हम डिसाइड करेंगे कि हम किस गैजेट पे वीडियो बनाएं, आपको भी डिसाइड करना। और सबसे मेन पॉइंट, आपको ट्रेंडिंग जो गैजेट होते हैं जो डेली लाइफ में यूज किए जाते हैं उनको कवर करना है। जैसे यहां पर मैं एक वॉच पे बनाऊंगा, एक स्क्रिप्ट जनरेट करूंगा कैसे, तो आप यहां पर मेरी मोबाइल स्क्रीन को देख सकते हो। यहां पर आपको सबसे पहले फ्लिपकार्ट को ओपन कर लेना है, अमेजोन को ओपन कर लेना है। जैसे कि मैं यहां पर फ्लिपकार्ट को ओपन कर लेता हूं, मैंने फ्लिपकार्ट को ओपन कर लिया। अब आपको क्या करना है, 3 डॉट आपको ऊपर दिखेगी और यहां से इसको डेस्कटॉप मोड पे ऑन कर लेना है, तभी आप अपनी स्क्रिप्ट जनरेट कर पाओगे। तो यहां पर मैं स्मार्ट वॉच सर्च कर लेता हूं, जैसे कि मैं स्मार्ट वॉच पे करना चाहता हूं, तो यहां पर मैं स्मार्ट वॉच कन्वर्ट कर लेता हूं, यानी सर्च कर लेता हूं स्मार्ट वॉच। तो मैंने स्मार्ट वॉच जैसे ही यहां पर सर्च करा, मेरे सामने काफी सारी स्मार्ट वॉचेस आ गई। तो यहां से मैं किसी भी वॉच पे क्लिक कर लेता हूं, जैसे मैंने यहां पर किसी भी वॉच पे क्लिक कर लिया, तो आप भी क्लिक कर लेना। जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक हाईलाइट आएगा, समझ लो एक हाईलाइट आएगा, और उसी को कॉपी करके आपको अपनी स्क्रिप्ट हिंदी में जनरेट करनी है। जैसे कि यहां पर देखिए मेरे सामने ये हाईलाइट आ गया, और इसी के बारे में मैं इसको कॉपी करूंगा और इसको हिंदी में अपनी स्क्रिप्ट जनरेट करूंगा। तो यहां से मैं क्या करूंगा, इसको यहां से कॉपी कर लूंगा, आपको भी कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है AI पे, समझ रहे हो, चैट जीपीटी पे आना है, और चैट जीपीटी में आपको लॉगिन कर लेना है अपनी जीमेल आईडी से, जैसे मैंने कर लिया। और उसके बाद आपके सामने ऐसे एक जो है मैसेज बॉक्स आ जाएगा, और यहां पर आपको क्या करना है, ये बिल्कुल ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वी वॉन्ट टू ओपन ए गैजेट रिव्यू चैनल सो राइट यूट्यूब शॉर्ट स्क्रिप्ट, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। सबसे पहले आपको यही टाइप करना है, जैसे आप टाइप करोगे फिर से आपको वहां पर आ जाना है जो आपने फ्लिपकार्ट पे सर्च किया, और यहां से उसकी स्क्रिप्ट यहां से कॉपी कर लो। यहां से कॉपी की और चैट जीपीटी में आपको आ जाना है, और इसको यहां पर इसके आगे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको थोड़ा स्पेस देना है, डॉट लगानी है, फिर स्पेस देना है, और यहां पर आपको लिख देना है हिंदी, क्योंकि आप हिंदी में जो है वॉइस कन्वर्ट करोगे। तो
तो देखो मेरे को ये बिल्कुल हिंदी में एक स्क्रिप्ट लिख के दे देगा, ये देखो बिल्कुल एक अच्छी सी स्क्रिप्ट लिख के दे देगा और इसी को हिंदी को आपको एक वॉइस में कन्वर्ट करना है। चलिए मैं आपको बताता हूं, यहां पर आपके सामने एक हिंदी में स्क्रिप्ट आ गई, तो आपको जो हिंदी है उसको यहां से कॉपी पेस्ट करना है। वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। चलिए इसको पूरा जनरेट करने दो, उसके बाद मैं आप सभी को पूरा ट्यूटोरियल समझाऊंगा कैसे कैसे करना है। मेरे को हिंदी में दे दी इसने, अब यहां से आपको क्या करना है, जो आपको हिंदी में दी है उसको यहां से कॉपी करना है। कॉपी किया और आपको एक नोटबुक बना लेनी है, यानी कि फोन में जो नोटबुक होती है उसको यहां से पेस्ट कर देना है। फिर आपको दूसरा हिंदी का वर्ड कॉपी करना है, लाइन कॉपी करनी है यहां से, फिर आपको यहां पर आना है और यहां पर पेस्ट कर लेना है। जैसे मैंने पूरी स्क्रिप्ट यहां पर हिंदी में कॉपी पेस्ट की है, तो आपको हिंदी में सिलेक्ट करना है, यहां पर पेस्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको आना है 11 लैब में, 11 लैब में आपको आना है और यहां से आपको जो हिंदी आपने कन्वर्ट की है वो वॉइस में कन्वर्ट कर लेनी है। तो यहां पर मैंने दोस्तों देख सकते हो यहां से जो है 11 लैब को ओपन कर लिया। तो 11 लैब को ओपन करने के बाद यहां से आपको इसको वॉइस में कन्वर्ट कर लेना है। वो मैं कैसे करना है आपको बता देता हूं। तो जो आपने स्क्रिप्ट वहां से कॉपी की है वो स्क्रिप्ट को यहां से नोटबुक से आपको कॉपी कर लेना है, पूरा का पूरा यहां से इसको कॉपी कर लेना है और आपको आ जाना है 11 लैब में, 11 लैब में पेस्ट कर देना है। और यहां से आप जो है एक करेक्टर भी चूज कर सकते हो कि आप किसके उसमें करना चाहते हो। जैसे मान लीजिए यहां पर मैं डैनियल को सर्च कर लेता हूं, सिलेक्ट कर लेता हूं और यहां से इसको जनरेट स्पीच पे क्लिक कर देता हूं। और जैसे मैं जनरेट स्पीच पे क्लिक करूंगा दोस्तों ये मेरी जो है जो वॉइस ओवर में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि वॉइस में ये जो मेरी कन्वर्ट है देखो हो गई। अब इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूं। देखो हिंदी में पूरी की पूरी जनरेट हो गई। एडवांस्ड ब्लूटूथ कॉलिंग अब गतिशीलता के साथ क्रिस्टल क्लियर स्पष्टता के साथ, ये देखो पूरी की पूरी यहां पर जो है जनरेट हो जाएगी। और जैसे ही जनरेट हो जाएगी तो यहां पर आपको डाउनलोड का बटन मिलेगा, ये देख सकते हो, तो इसको आप क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हो। अब ये तो हो गया, आपने सबसे पहले स्क्रिप्ट कॉपी की, उसके बाद उसको हिंदी में कन्वर्ट किया, उसके बाद उसको वॉइस ओवर में कन्वर्ट किया। उसके बाद तो आपको फ्लिपकार्ट पे आ जाना है और जो भी यहां पर आपको वॉच दिख रही है यहां से विदाउट कॉपीराइट आपको फोटोज डाउनलोड कर लेनी है। देखो एक ही वॉच में आपको काफी सारी विदाउट कॉपीराइट जो है यहां पर फोटोज मिल जाएगी, ये देख सकते हो नीचे भी आपको काफी सारी फोटोज मिल जाएगी, इनको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। यानी कि सबसे पहले आपको यहां पर स्क्रिप्ट लेनी है, उसको चैट जीपीटी में हिंदी में कन्वर्ट करना है, उसके बाद 11 लैब में उसको वॉइस ओवर में कन्वर्ट करना है, उसके बाद यहां से आपको फोटोज डाउनलोड करनी है। सब कुछ करने के बाद आपको आ जाना है एक एप्लीकेशन में जिसका नाम है वर्बो। यहां पर देख सकते हो एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर में आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। तो यहां पर आपको आने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद आपको आ जाना है एआई अवतार में। एआई अवतार में जैसे आप आओगे यहां पर आपके सामने काफी सारे एआई अवतार आ जाएंगे। तो यहां से मैं कोई भी अवतार सिलेक्ट कर लेता हूं, जैसे कि मैं यहां से ये अवतार सिलेक्ट कर लेता हूं। और यहां पर जैसे सिलेक्ट कर लोगे क्रिएट वीडियो पे आपको क्लिक करना है और यहां पर आपको शॉर्ट वीडियो क्लिक करनी है 9.16 पे, तो मैं क्रिएट नाउ पे क्लिक कर लेता हूं। जैसे ही क्लिक कर लोगे आपको सबसे पहले आ जाना है बैकग्राउंड पे। बैकग्राउंड आने के बाद यहां से आपको दोस्तों ग्रीन बैकग्राउंड ले लेनी है, जिससे आप बिल्कुल आसानी से क्या कर सकते हो यहां पर अपनी बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लो ताकि जो ये नीचे लोगो है वो मिट जाए, समझ रहे हो, ये देखो यहां पर हो गया।
अब यहां पर दोस्तों आपको क्या करना है, यहां पर देखो एक रिकॉर्ड का बटन आपको मिलेगा, तो रिकॉर्ड बटन पे आपको क्लिक करना है और यहां से आपको अपनी जो है स्क्रिप्ट यहां पर ऐड कर देनी है, यानी कि अपनी वॉइस ओवर यहां पर अपनी ऐड कर देनी है। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूं। यहां रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करना है, हिंदी पे क्लिक करना है और कंफर्म कर देना है। और जैसे ही कंफर्म करोगे यहां पर साइड में देखो आपको एक इंपोर्ट वीडियो का बटन मिलेगा, तो इंपोर्ट वीडियो पे क्लिक करना है और जो आपने अपना जो है यहां पर 11 लैब से वॉइस ओवर किया था वो यहां पर आपको ऐड कर देना है अपलोड ऑडियो करके। तो चलिए मैं यहां पर उसको ऐड कर देता हूं रिसेंटली पे जाके, ऑडियो पे जाके रिसेंटली पे जाके मैं आप सभी को दिखा देता हूं करके। ये देखो ये 11 लैब की वॉइस ओवर आ गई, तो मैं इसको यहां पर ऐड कर देता हूं। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और टाइम देख सकते हो यहां पर थोड़ा सा टाइम लेगा और ये आपकी जो वॉइस है वो यहां पर अपलोड हो जाएगी। अब देखो 90% हो गया। तो इसी तरीके से आपको अपनी वॉइस यहां पर अपलोड कर देनी है और यहां पर थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है और वेट करने के बाद आपकी जो है एक क्लिक में वीडियो बनके रेडी। उसके बाद इसको कैसे आपको एडिट करना है वो यहां पर देखना बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि आपकी बहुत जबरदस्त वीडियो बनने वाली है। तो चलिए यहां पर मैं थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, वेट कर लेता हूं, आपको भी पेशेंस कर लेना है। और जैसे 100% होगा तो ये देख सकते हो आपका यहां पर हिंदी में टाइटल भी ये जनरेट करके देगा, ये देख सकते हो। और जैसे आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो आपकी वीडियो यहां पर बनके रेडी। तो यहां पर एक्सपोर्ट पे मैंने क्लिक किया, थोड़ा सा यहां पर टाइम लेगी और ये देख सकते हो वीडियो इज रेडी। और यहां पर इसको कैसे आपको सेव करना है वो भी आपको बताऊंगा, यहां पर थोड़ा सा और आपको वेट कर लेना है। दोस्तों आप कितनी जबरदस्त वीडियो बना रहे हो आप खुद सोच सकते हो यहां पर। तो चलिए मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूं इस पे, अभी वीडियो जनरेट हो रहा है, आपको भी वेट कर लेना है इसी तरीके से। यहां पर कितना जबरदस्त वीडियो होगा, आपको यहां पर फेस भी नहीं दिखाना, आपको वॉइस ओवर भी करनी, सब कुछ आप एक क्लिक में कर पाओगे वो भी एआई की मदद से। तो चलिए यहां पर थोड़ा वेट कर लीजिए। दोस्तों जैसे ही आपकी वीडियो क्रिएट हो जाएगी तो आपको वीडियो के ऊपर क्लिक कर लेना है और यहां पर आपको सेव टू एल्बम पे क्लिक कर देना है। जैसे सेव टू एल्बम पे आप क्लिक करोगे आपकी वीडियो जो है आपके फोन की गैलरी में सेव हो जाएगी। अब यहां पर इसको आपको एडिटिंग कैसे करना है वो भी सीख के जाना, क्योंकि अगर आपने यहां तक इस वीडियो को देख लिया तो भाई आगे भी देखना। तो यहां पर आपकी वीडियो सेव हो गई, अब आपको आ जाना है काइन मास्टर में। काइन मास्टर में आके क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, 9.16 पे क्लिक करना है और यहां पर एक प्रोजेक्ट यहां पर क्रिएट कर लेना है। चलिए एड को क्लोज कर दूं, एड को मैंने क्लोज कर दिया, अब मेरा यहां पर एक प्रोजेक्ट बन चुका है। अब दोस्तों आपको वीडियो को कैसे एडिटिंग करना है बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको मीडिया पे आना है, मीडिया पे आने के बाद यहां पर इमेज असेस्ट पे आना है और यहां से कोई भी एक बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लो। अब आप एक मिनट की अपनी वीडियो बनाना चाहते हो तो इसकी लेंथ एक मिनट तक कर लो, जैसे मैंने एक मिनट तक इसकी लेंथ कर ली, ठीक है, मैंने एक मिनट तक लेंथ कर ली। अब आपने जो वॉच की वीडियो फोटोज डाउनलोड की थी वो यहां पर आपको ऐड करनी है, लेयर बटन पे जाना है, मीडिया पे जाना है और यहां पर देख सकते हो डाउनलोड में काफी सारी इमेजेस आ जाएगी, तो इन इमेज को यहां पर ऐड कर लो, इस इमेज को ऐड कर लो, फिर नेक्स्ट इमेज को यहां पर ऐड कर लो। तो इसी तरीके से आपको इमेजेस को ऐड कर लेना है, जैसे मैंने ऐड किया, फिर मैं थोड़ा आगे जाऊंगा और यहां पर दूसरी इमेज को ऐड करूंगा, लेयर बटन पे जाना है, डाउनलोड पे जाना है, यहां से दूसरी वॉच ऐड कर लूंगा और इसी तरीके से फिर आगे स्क्रॉल करूंगा, फिर लेयर पे जाऊंगा, मीडिया पे जाऊंगा और यहां से नेक्स्ट इमेज को ऐड कर लूंगा, फिर यहां से थोड़ा आगे जाऊंगा, फिर लेयर बटन पे जाऊंगा, मीडिया पे जाऊंगा और इसी तरीके से बारी बारी सर आपको जितने मिनट की आपकी वीडियो है सबको ऐड कर लेना है। उसके बाद इस पहली फोटो पे आपको क्लिक करना है
और इसको यहां पर ऊपर की तरफ एडजस्ट कर देना है। फिर आपको नेक्स्ट पे जाना है और नेक्स्ट को भी आपको इसी तरीके से ऊपर एडजस्ट कर देना है। फिर आपको नेक्स्ट पे जाना है, इसी तरीके से आपको ऊपर एडजस्ट कर देना है। तो बारी बारी सर आपको यहां पर एडजस्ट कर लेना है इस तरीके से, बारी बारी सर आपको एडजस्ट कर लेना है इस तरीके से। और जैसे एडजस्ट हो जाए तो आप इनमें चाहो कुछ एनिमेशन भी दे सकते हो, जैसे कि ओवरऑल एनिमेशन में आना है, चाहे आप इसको ब्लिंक कर सकते हो, फ्लिकर कर सकते हो, या फिर इसमें अलग एनिमेशन दे दो, जो भी आप देना चाहो ये देख सकते हो। इसमें भी आप एनिमेशन दे दो, क्योंकि एनिमेशन दोगे तो ये थोड़ा बेस्ट लगेगा, समझ रहे हो, देखने में। ये देखो ऐसे दे दो तो थोड़ा ये बेस्ट लगेगा देखने में, पीछे जब आपकी वीडियो चलेगी। फ्लोटिंग कर दो, इसको भी ऐड कर दो, यानी कि एनिमेशन देना आपको काफी जबरदस्त लगेगा। तो यहां पर आपने एनिमेशन दे दिया, अब आपने जो वीडियो यहां पर शूट की थी ना, वो वीडियो यहां पर आपको ऐड करनी है। लेयर बटन पे जाना है, मीडिया पे जाना है, और यहां से जो आपने वीडियो बनाई थी उस एप्लीकेशन से, वो यहां पर आपको ऐड कर देनी है। और इसको इस हिसाब से एडजस्ट कर लो, इस हिसाब से एडजस्ट कर लो, और इसकी पीछे की जो है ग्रीन स्क्रीन हटा दो क्रोमा की करके। ये देखो ये देखो, अब इसको प्ले करके देखो, आपका डिस्प्ले आई जिंदगी में एक शानदार एमोलेड स्क्रीन पर जो कभी सोती नहीं है। हर कोने में शानदार शैली का अनुभव करें इस स्मार्ट वॉच के फ्लैट एज डिजाइन और स्लीक लुक के बन गई ना, कितनी जबरदस्त वीडियो, एडवांस्ड ब्लूटूथ कॉलिंग। और यहां पर वीडियो को सेव करो और यूट्यूब पर अपलोड करो और भाई खूब सारा पैसा कमाओ। तो दोस्तों मैंने पूरा स्क्रिप्ट आपको बता दिया, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी वीडियो के साथ। तब तक ले दोस्तों, जय हिंद जय भारत।